अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हाशिम मलिक फ्रॉम हाशिम मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नई अनबॉक्सिंग की वीडियो। आईटेल का न्यू मॉडल है आईटेल A60S। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियो बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। चलते हैं जी अपने इस वीडियो की तरफ। ये मॉडल आप देख सकते हैं आईटेल A60S 4G 4GB 128GB वाला ये वेरियंट है। इसकी अभी हम करेंगे अनबॉक्सिंग। फाइनली फ़ोन को मैंने ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं ये फ़ोन लुक वाइज बहुत खूबसूरत है। इससे पहले अभी देखें जी हम इसके बॉक्स के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो फिर आपको फ़ोन का रिव्यू भी देता हूं। इसके बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक वारंटी कार्ड जिसके ऊपर मैंशन है कि 12 मंथ वारंटी कार्ड। हम बात करें इसके अंदर हमें देखने को जो केबल मिलती है वो है माइक्रो USB केबल, और उसके साथ 10 वाट का इसका अडोप्टर और एक हार्ड कवर इसके अंदर देखने को हमें मिलता है जी। तो फाइनली हमने इस फोन को ऑन कर लिया है। अगर हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ब्राइट और बहुत शार्प डिस्प्ले हमें इसमें देखने को मिलता है। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि जब एंड पे आपको मैं इसकी प्राइस बताऊँगा तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि इस महंगाई के दौर में इतना सस्ता फ़ोन कहाँ से आ गया। तो अब बात करते हैं जी इसके डिस्प्ले साइज़ की। 6.6 इंच का है, इसमें हमें फुल HD डिस्प्ले साइज़ देखने को मिलता है, एक बिग डिस्प्ले साइज़ है। और अगर इसके बैटरी की बात करते हैं तो 5000 mAh की इसमें हमें देखने को बैटरी मिलती है, बहुत अच्छी बैटरी दी गई है। आपको पता है आजकल नॉर्मली तमाम फ़ोन्स के अंदर 5000 mAh की बैटरी हमें देखने को मिलती है। अगर इसके कैमरा सेटअप की बात करें तो इसकी बैक साइड पर ड्यूल कैमरा सेटअप हमें देखने को मिलता है। मेन कैम की बात करें तो वो इसमें हमें 8 मेगापिक्सल का मिलता है और प्लस 2 मेगापिक्सल का हमें पोर्ट्रेट कैम मिलता है। अगर इसके फ्रंट कैम की बात करते हैं, सेल्फी कैम की बात करते हैं, तो 5 मेगापिक्सल का इसका सेल्फी कैम मिलता है। कैमरा वाइज ये फोन बिल्कुल नॉर्मल है। मैं आपको इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करूंगा कि बहुत जबरदस्त कैमरा है इसमें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इस फोन के अंदर। अगर इसके चार्जर की बात करते हैं तो 10 वाट का हमें इसमें देखने को चार्जर मिलेगा और उसके साथ माइक्रो USB केबल जो है वो वाली पोर्ट हमें देखने मिलती है। अच्छा जी, हमेशा की तरह अपनी हर वीडियो के अंदर आपको ये बात क्लियर करता रहता हूं कि इस फोन के अंदर ड्यूल स्पीकर है, इसी तरह ये भी फोन ड्यूल स्पीकर। अच्छा जी, हमेशा की तरह आपको इस वीडियो के अंदर भी दोबारा एक चीज क्लियर करूं क्योंकि कस्टमर की ये डिमांड होती है कि हमने डबल स्पीकर वाला फोन लेना है, तो इस फोन के अंदर आपको देखने को डबल स्पीकर ही मिलेंगे। आप देख सकते हैं इसका ये स्पीकर और उसके अलावा एयरपीस वाला स्पीकर। अच्छा जी, बैक साइड के ऊपर कैमरा सेटअप के साथ आपको दो चीजें जो एडिशनल देखने को मिल रही हैं, उसमें एक फ्लैश लाइट आ रही है और दूसरा आपको फिंगरप्रिंट सेंसर जो मिल रहा है वो रेल माउंटेड मिल रहा है बैक साइड के ऊपर। बहुत सेंसिटिव है ये सेंसर इसका और इजी टू टच करते हैं इसको आप, और इजी ही वो उसी तरह जैसे इस आप सेंसर को अगर टच करते हैं वैसे आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है। इस फीचर के अलावा इसमें एक्स्ट्रा फीचर जो देखने को मिलने वाला है आपको वो है इसके अंदर इसका फेस लॉक। फेस लॉक जो है इसका बहुत कमाल का दिया गया है, वो भी आप जैसे ही फ़ोन को अपनी फेस के सामने लेके आते हैं आईफोन की तरह बहुत तेज़ वर्क करता है इसका वो सेंसर भी। उसके अलावा इसमें आपको ब्लूटूथ मिलती है, वाईफाई मिलती है, 3.5 mm का इसमें आपको हैंड फ्री जैक देखने को मिलता है। ओवरऑल ये फ़ोन बहुत ज़बरदस्त है, गुड परफॉर्मेंस है इसमें। अगर एक चीज़ की चेंजिंग की है उन्होंने, इसकी जो पोर्ट हैंड फ्री की दी गई है वो पहले नीचे वाली साइड पे आती थी, अब इसकी पोर्ट ऊपर वाली साइड में आपको देखने को मिलेगी। तो सिम के लिए साइड पे उन्होंने जैकेट दी है। इससे पहले जो फ़ोन थे A49 प्ले, उन फोन्स के अंदर आपको बैटरी तो फिक्स मिलती थी लेकिन सिम डालने के लिए आप उसकी बैक कवर को उतारते थे और साइड से सिम डालते, लेकिन इस दफ़ा ये ओवरऑल कवर्ड फ़ोन है। जैसे फ़ोन दूसरे आते हैं इन्फिनिक्स टेक्नो के जो फ़ोन जैसे आ रहे हैं आजकल के, उनके साइड पर आपको स्लॉट मिलती है जहाँ से आप उसकी सिम इंजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ओवरऑल इसके परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये फ़ोन बिल्कुल बेहतरीन है, बहुत परफेक्ट फ़ोन है। अगर आप इसकी प्राइस की बात करूं, क्योंकि वीडियो मेरी कंप्लीट हो रही है तो मैं अब कोशिश यही कर रहा हूं कि शॉर्ट वीडियोस के अंदर आपको वो तमाम चीज़ें बता दूं कि आपको एक 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद ये एहसास ना हो कि यार हमने ऐसे वक्त ज़ाया किया, असल बातें तो एंड में 2 मिनट में थी। तो इसीलिए वीडियो को मैंने शॉर्ट किया है और शॉर्ट वीडियो के अंदर ही तमाम बातें क्लियर कर रहा हूँ। अब इसकी प्राइस की बात करें तो फाइनली इसकी जो प्राइस है मार्केट के अंदर जो अभी प्राइस इसकी चल रही है वो है 25
25,000 के अंदर आपको 4GB प्लस 4GB वर्चुअल रैम के साथ यानी कि 8GB 128GB वाला गुड लुकिंग फोन मिल रहा है। तो देर ना करें, इस फोन को अभी परचेज करें। अगर आपके पास बजट है अंडर 30 तो आपके लिए ये बेस्ट फोन है। थैंक यू सो मच। जो लोग मेरी वीडियो पर न्यू है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियो बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके।